जानवरों की बाकियात से तेल निकालने वाले फैट ट्रेंडिंग यूनिट्स के लिए तफसीली हदायतनामा जारी किया गया और इस पर गौर किया जा रहा है। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जेर सदारत इजलास में हदायतनामा पर तफसीली गुफ्तगू भी हुई। बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक से। इमरान मलिक, बताइएगा क्या गुफ्तगू की गई है? हाँ जी बिल्कुल, आज डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन डाइट मोहम्मद उस्मान की जेर सदारत इजलास में हदायतनामा तफसीली गुफ्तगू की गई है, जिसमें फैट रेटरिंग यूनिट्स पंजाब फूड अथॉरिटी से लाइसेंस लेने के पाबंद होंगे, जबकि बाकियात की खरीद और निकाले गए तेल की फरोख्त का मुकम्मल रिकॉर्ड यकीनी बनाना होगा और NOC इसके लिए लाजमी जुज करार दिया गया, जबकि पंजाब फूड अथॉरिटी हदायत के मुताबिक तलब शुदा मटीरियल का मुकम्मल तस्वीरी रिकॉर्ड भी मुरतब करना भी लाजमी होगा। इस हवाले से बाकिया से निकला तेल जो है सिर्फ गैर खुरदनी मकासद के लिए फरोख किया जा सकता है जबकि कैप्टन टाइट मोहम्मद उस्मान का ये कहना है कि तेल के नकलो हमल में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों पर प्रोडक्शन यूनिट का नाम और पता दर्ज करना लाजमी है। पंजाब फूड अथॉरिटी के आयद करदा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पूरी तौर पर उनका लाइसेंस मंसूख। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इमरान मलिक।